ऑप्शन, ऑप्शंस के अंदर हमको डायरेक्टरीज मिलती है। जब हम डायरेक्टरीज पे क्लिक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है लाइब्रेरीज, डिज़ाइन ब्लॉक, डिज़ाइन रूल्स, यूजर लैंग्वेज प्रोग्राम, स्क्रिप्ट, कैमजो, प्रोजेक्ट सिमुलेशन, सिमुलेटर पाथ, SPIEC, SPIECE मॉड्यूल्स। तो ये सब इसके पाथ दिए हुए हैं। तो जहाँ भी ये फाइल्स जहाँ सेव है उनका हमें डायरेक्टली पाथ मिल जाता है। तो वहाँ से हम यदि इन फाइल से रिलेवेंट हमको जो काम होता है, यदि उस फाइल के अंदर हमें कुछ फाइल डाउनलोडेड फाइल को ऐड करना है या फिर हमें इन पाथ में कुछ इश्यूज है, तो वो सब हम यहाँ से डायरेक्टरीज के थ्रू हम उनके पाथ को देख सकते हैं और वहाँ से हम उनको चेंजेस और एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे ऑप्शन विंडो में आता है बैकअप एंड लुकिंग। अब बैकअप एंड लुकिंग के अंदर क्या होता है कि हमारी जो फाइल होती है उनको सेविंग के लिए, और यदि हमको उस फाइल से बैकअप लेना है तो कितने टाइम कितने बैकअप्स हम उसके थ्रू ले सकते हैं। बैकअप एंड लुकिंग का ये ऑप्शन जो है उसका जो मेन वर्क है मैं आने वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसका मेन फंक्शंस क्या है। फिर आता है यूज़र इंटरफेरेंस। तो जब भी आप आपके स्कैमेटिक या फिर लेआउट जो फाइल है उसको ओपन करेंगे तो आपको किस तरह का इंटरफेरेंस मिलता है उसके लिए ये आपका कंट्रोल यूज़र इंटरफेरेंस है। इसे आप अपने स्कैमेटिक फाइल के अंदर जाकर भी आप चेंज कर सकते हो और कंट्रोल पैनल से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो बहुत बार आप लोगों ने यदि ईगल फाइल किसी की देखी होगी तो उसमें इंटरफेरेंस अलग अलग टाइप में भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपको वाइट, ब्लैक और कलर में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने लेआउट को चेंज कर सकते हो। जो हमारा पीसीबी लेआउट है वो ब्लैक होता है, यदि आपको वाइट रखना है तो वाइट भी रख सकते हैं। स्कैमेटिक फाइल के अंदर देखेंगे तो वाइट देखने को मिलता है, और यदि हम उसको ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कर सकते हैं, या कलर में करना चाहते हैं तो कलर में भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कर्सर। तो कर्सर हमारी जो कर्सर की साइज़ है उसको हम लोग लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ स्मॉल आती है, आप इसे लार्ज करके अपने यूज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिर ग्रुप एनोटेशंस है, वर्टिकल टेक्स्ट है, फिर आइकॉन साइज दी हुई है। तो इस तरह के इस यूज़र इंटरफेरेंस के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शन मेनू का चौथा फंक्शन है हमारा प्रॉक्सी सेटिंग्स। तो प्रॉक्सी सेटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ कुछ सेटिंग्स दी हुई है। इस फंक्शन के बारे में भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। फिर आता है हमारा डेटा कलेक्शंस एंड यूज़। तो डेटा कलेक्शंस जो हमारा ये हमारा जो ऑटोडेस्क का भी फंक्शंस दिए हुए हैं वो सब आपको देखने को मिलता है कि आप किस तरह से ये हमारा लाइसेंस वर्सन्स है और इसके जो ओवरऑल डिटेल्स हैं वो हमारे इसके अंदर दी हुई है डेटा कलेक्शंस की। ये हमारे कंट्रोल पैनल का ऑप्शंस मेन्यू था। नेक्स्ट हम देखेंगे विंडो।